आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है देश के अल्पसंख्यक और देश की महिलाएं। तालिबान का आतंक पूरे अफगानिस्तान में देखा गया है। अब तो तालिबान में क्रिकेट से लेकर दूसरे खेलों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्रिकेट को समर्थन देने की बात करने वाले तालिबान ने अपना कट्टरपंथी रूप दिखाते हुए यह साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ पुरुष क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत देगी, महिला क्रिकेट टीम को यह इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खेलते वक्त हो सकता है कि उनका चेहरा या उनके हाथ पैर किसी को नजर आ जाए। तालिबान के इस तुगलकी फरमान पर आईसीसी ने तो फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है तालिबान को एक करारा जवाब। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से ठीक पहले महिलाओं को क्रिकेट खेलने की आजादी थी। अफगानिस्तान महिला टीम ने पिछले 10 सालों में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था, लेकिन आज अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर अंधकार में चली गई है। तालिबान ने 8 सितंबर को साफ किया कि मुल्क में महिलाओं को क्रिकेट के साथ साथ किसी खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तालिबान के मुताबिक क्रिकेट या कोई दूसरा खेल खेलते वक्त महिलाओं का चेहरा ढका नहीं होगा। इस्लाम इस तरह से महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं देता। तालिबान के इस फैसले के खिलाफ अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी से गुहार लगाई थी, लेकिन फिलहाल तो आईसीसी ने भी एक बयान जारी करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। आईसीसी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आईसीसी महिला क्रिकेट का विकास चाहता है। अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक हालात के बावजूद 2017 में उन्हें पूर्ण मेंबर का दर्जा दिया। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उस पर हमारी नजर है और हमें इस बात की चिंता है कि महिलाओं को अब क्रिकेट खेलने की अनुमति शायद ही हो। बोर्ड की अगली बैठक में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आईसीसी ने तो इस फैसले पर सिर्फ चिंता जताई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान के इस फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में उन्होंने साफ किया कि अगर अफगानिस्तान में महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं होगी तो अफगानिस्तान पुरुष टीम के साथ भी वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। महिला क्रिकेट को विश्व में बढ़ाना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की मदद नहीं की जाएगी और उन्हें खेलने की इजाजत नहीं होगी। अगर ये सही है तो अफगानिस्तान पुरुष टीम के खिलाफ हॉबर्ट में होने वाले इकलौते टेस्ट को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तालिबान के आतंकी और उनकी पैरवी करने वालों के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला किसी तमाचे से कम नहीं है। बात करते हैं तालिबान के सबसे बड़े हितैषी इमरान खान की, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन आज वही इमरान खान भी अपने देश को तालिबान की राह पर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सरकारी स्कूलों में अब महिला टीचर्स के जीन्स और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई है। इलाके के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर इस आदेश को लागू करने के लिए कहा गया है। यानी जो पाकिस्तान महिलाओं के हक की आवाज उठाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, आज वही पाकिस्तान अब तालिबान की राह पर आगे बढ़ रहा है। तालिबान से इंस्पायर होकर क्या पता पाकिस्तान भी अब अपनी महिला क्रिकेट टीम के खेलने पर रोक लगा दे। तालिबान महिलाओं की आजादी के कितने खिलाफ है वो इस फैसले से साफ नजर आता है। और इसी तालिबान की वकालत कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने की थी। तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव माइंड के साथ आए हैं। ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही है। ये लेडीज को काम करने की बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद है। पाकिस्तान में ही नहीं हिंदुस्तान में भी तालिबान के कई समर्थक हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। देखिए अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना है जो वहाँ पे आए हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक को
मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी असूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने। इस समय अफगानिस्तान में 3700 महिला क्रिकेटर। पिछले साल 25 महिला खिलाड़ियों को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था। तालिबान के डर से कुछ महिला खिलाड़ी पहले ही देश छोड़ चुकी हैं, तो कुछ अभी भी काबुल में डर के साए में हैं। तालिबान का खौफ और आतंक पहले भी अफगानिस्तान के लोग और पूरी दुनिया देख चुकी है। इस बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो बातें बड़ी बड़ी की थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ रही है। रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हाल फिलहाल में कई तस्वीरें आई थी जहां महिलाओं को पीटा जा रहा था, जब वो मोर्चा निकाल रही थी उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, और अब महिलाओं को क्रिकेट खेलने की भी आजादी नहीं है। टाइम्स नाउ संवाददाता वैभव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। वैभव, क्या आईसीसी के ये नियम नहीं है कि कोई भी देश तभी क्रिकेट खेल सकता है जब उसकी महिला और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों हो? ऐसे में क्या आईसीसी अफगान टीम के ऊपर पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकती अगर महिलाओं की टीम ही नहीं है उनके पास? देखिए, अगर आपने जो नियम की बात की तो ऐसा नहीं है कि किसी टीम की अगर पुरुष टीम है और अगर महिला टीम नहीं है तो उनको पुरुष टीम को भी इजाज़त नहीं होगी। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पुरुष टीम क्रिकेट खेलती है लेकिन महिला टीम वहाँ की क्रिकेट नहीं खेलती, तो ये नियम फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तालिबान को भेजा कि अगर आपके देश में आप लगातार इस तरीके से करेंगे कि जो महिला क्रिकेट हैं क्रिकेटर्स हैं आप उनको खेलने नहीं देंगे, महिला क्रिकेट टीम को आप आज़ादी नहीं देंगे, उनको आप अलाउ नहीं करेंगे विदेशों में जाने के लिए या अपने ही देश में क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो हॉबर्ट में जो टेस्ट मैच होना था इस साल के एंड में, पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट की जो पुरुष टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी कोई टेस्ट मैच खेलने के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर आप महिलाओं को रोकेंगे तो हम आपकी जो पुरुष टीम है हम उनके साथ भी मुकाबला बिल्कुल नहीं खेलेंगे। और पद्मजा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, 48 घंटे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट आया था कि हम 24 घंटे के अंदर T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है वो अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन उस खबर, उस ट्वीट को भी लगभग 48 घंटे होने वाले हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो तालिबान है इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब खत्म हो चुका है। अगर मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताऊं, इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई वजूद बचा नहीं है। वो लगातार ट्वीट जरूर कर रहे हैं, अपनी जो बात है वो रख रहे हैं, लेकिन इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरीके से तालिबान गवर्न कर रहा है, तालिबान ही चला रहा है। तो वो हमें देखने को मिल रहा है कि जब आपने 48 घंटे पहले ट्वीट किया था कि टीम आने वाली है तो टीम अभी तक क्यों नहीं आई, तो ये बताता है किस तरीके से तालिबान जो है इस समय रूल कर रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट को, अफगानिस्तान देश को। और जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने एक भी कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है ना उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, अफगानिस्तान क्रिकेट क्वालिफाई कर चुका है और वो जरूर शुक्रिया करना चाहेगा उसमें BCCI का, क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से BCCI ने मदद की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या महिला क्रिकेट टीम की भी उनकी जो मदद की कि वो यहां तक पहुंच पाए कि आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश से पहले क्वालिफाई किया। लेकिन अब जब से तालिबान आया है, तालिबान का राज आया है, तालिबान का शासन आया है, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती जा रही है। वैभव, मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एक अफगान नागरिक, एक महिला सुजन फिरोज भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजन, क्योंकि आप खुद अफगान हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्या कहीं भी ये लिखा हुआ है कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेल सकती? ये किसी भी मजहब में ऐसा लिखा गया है? चलिए, सुजन से हमारा संपर्क टूट गया, पर वैभव अगर वापस आपके पास आऊं तो जितने भी अब क्रिकेटिंग नेशंस हैं, वो देश जो कि क्रिकेट खेलते हैं वो सारे लोकतांत्रिक हैं, बिल्कुल, तो आपस में मिल करके वो फैसला कर सकते हैं कि हम तब तक बॉयकॉट करेंगे जब तक महिला क्रिकेट टीम को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, मैं सभी देशों की गारंटी जरूर ले सकता हूं, लेकिन मैं इसमें पाकिस्तान की गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे अभी हमने रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में जो तालिबान का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे आता जा रहा है।
कि आपने इस्लामाबाद में जो टीचर्स थी उनकी जीन्स पहनने पर रोक लगा दी, तो जितने बाकी देश हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, न्यूजीलैंड की बात करूँ, साउथ अफ्रीका की बात करूँ, इनफैक्ट बांग्लादेश की मैं बात करूँ, श्रीलंका भी आता है उसमें, इंडिया भी आता है, उन सब का जो स्टैंड रहेगा बहुत क्लियर रह सकता है कि आप अफगानिस्तान के साथ ना खेले। और हाँ, मेरा तो ये भी मानना है कि अब IPL शुरू होने वाला है अगले 2 हफ्तों में, तो आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड या BCCI एक मैसेज भेज सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है, जिस तरीके से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भेजा कि आप बहुत क्लियर कर दें तालिबान को, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर आप महिलाओं पे पाबंदी लगाएंगे तो हम आपके खिलाड़ियों को IPL में भी नहीं खिलवाएंगे। बिल्कुल, क्रिकेट में भारत का खासा दबदबा है, यही वक्त है कि उस दबदबे का इस्तेमाल करके और ज्यादा दबाव डाले सारे देशों पर, खासतौर पर अफगानिस्तान पर, कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की आजादी मिले। सूजन फिरोज और मुस्कान, दोनों अफगान महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। सूजन, क्या किसी मजहब में लिखा है कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेल सकती? नहीं, ऐसा किसी भी मजहब पे नहीं नहीं लिखा है, ना ही मुस्लिम मजहब में, ना ही, हाँ, हर किसी की मर्जी, जैसे भी घूमे, जैसे भी, चाहे वो चादर पहन ले, चाहे ना पहन ले, चाहे बुकरा करे, चाहे ना करे। अब ये लोग आ गए हैं हमारे ऊपर जबरदस्ती ये कर रहे हैं, और हमारे महिलाओं को कह रहे हैं कि आप में आपको इजाजत नहीं है घर से निकलने के लिए। आप लोगों ने इतना साल, ये तालिबान जो पाकिस्तान से भेज दिया गया है, ये तालिबान यानी अभी वहां पे आ गए है, महिलाओं को घर के अंदर, जो कि एक देश का आधा आधा इंसान, अगर एक इंसान को हम बांट ले, जैसे कि अभी हमारा आधा लेडी होता है, आधा मर्द लोग होता है, अगर लेडी ना हो तो मर्द कहाँ से आएगा? तो ये लोग ये कभी नहीं सोचता है, और ये तालिबान का यही ख्वाहिश है कि लेडीज घर में बैठे रहे। और क्यों बैठे रहे वो तालिबान, जो असली अफगान तालिब है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि लेडीज घर में बैठे। वो लोग खुद ही बता रहे थे कि लेडीज को पढ़ना चाहिए, मगर ये लोग जो है पाकिस्तान के थ्रू आ गए है, वो और वो लोग नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे। तो इसीलिए अभी हम, जैसे कि टेक्वांडो, बॉक्सिंग, मैं खुद बॉक्सिंग करती थी, मैं खुद टेक्वांडो करती थी, बाइसिकलिंग में करती थी, तो कभी ऐसा कोई इशू हमारे फैमिली के अंदर नहीं आया। हमारे फैमिली भी मुस्लिम है, तो पसंद करती थी ये सब चीज। हालांकि यहाँ मैं आ गई हूँ, मैं स्विमिंग भी यहाँ पे करती थी, पापा कभी मना नहीं किया है मुझे। करते रहिए आप सूजन, भगवान करे आप कभी कंपेटिटिव लेवल पर भी ये कोई स्पोर्ट खेल पाए। शायद वैभव आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नहीं पद्मजा, मैं आपको एक अपडेट जरूर देना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब तालिबान पहली बार आया था ना, उससे ठीक पहले हमने कुछ तस्वीरें ये देखी हुई हैं कि अफगानिस्तान की एक समय पे वॉलीबॉल टीम हुआ करती थी। मतलब आज आप क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, एक समय अफगानिस्तान की वॉलीबॉल टीम थी। तो पद्मजा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 20-25 सालों में क्या गुजरा है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या गुजरा है। और अगर आप और उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल एक गलत मैसेज जाएगा। आप जिस तरीके से लगातार उनको क्रिकेट खेलने से मना कर रहे हो, जिस तरीके सूजन भी बता रही है कि काफी पाबंदियां लगाई जाती हैं। देखिए, दूसरे देशों की तरफ अगर हम बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, आप देखिए महिला क्रिकेट टीम कितना अच्छा कर रही है, हमारी हॉकी टीम ओलंपिक्स में कितना अच्छा करके आई। तो अगर तालिबान इस तरीके से चलाना चाह रहा है तो फिर वो तो बहुत क्लियर है मैसेज कि जो देश है वो बद से बदतर ही हालात में जाता जाएगा। दोनों देशों में तो कोई कंपैरिजन है भी नहीं, जिस तरीके से हमारे देश में महिलाएं कंपीट करती हैं या स्पोर्ट खेलती हैं। मुस्कान, हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बड़े लोग हैं, कल महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, उन्होंने कहा कि तालिबान को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में शरिया के हिसाब से महिलाओं को मौके देंगे तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। और तालिबान को ये मौका देना चाहिए कि वो महिलाओं को सच में दिखाए कि कैसे एक सरकार चलाई जा सकती है। आपको लगता है कि ऐसा एक मौका दिया जाना चाहिए तालिबान को? मुस्कान जी, सॉरी मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन जो आपने पूछा ये सवाल, ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि कितनी साल पहले उन्होंने बताया था कि ऐसे होगा, हमें महिलाओं को हक देंगे, राइट देंगे, जैसे कि स्कूल जाना है, जॉब जाना है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते वो लोग। उनका वीडियो मेरे पास है जो 20 साल पहले उन्होंने बताया था, जो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी महिलाओं सड़क पे जा रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोगों को वहाँ पे मारा है, मैंने एक ग्रुप में मैंने ऐड किया है, सारे लेडीज जो वहाँ पे है, उन्होंने जो वीडियो भेज रहे, फोटो भेज रहे, इंसान को देखने में भी लायक नहीं है, देखने के। बिल्कुल मुस्कान और सूजन, आप लड़ते रहिए, आवाज उठाते रहिए, हम आपके साथ हैं।